लो जी चिली चिकन देखिए खा के हैं यार। मैं तो वीडियो बनाते बनाते मेरे मुंह च आ गया पानी, तो मैं तो हमने चिली चिकन खा के देख ला कैसा बनिया जी। है क्या बात है, बनिया तो बहुत अच्छा लगता, बहुत अच्छा रहा है। वाह जी वाह, क्या बात है, ओए होए 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 होए, क्या बात है जी। हाँ हाँ हाँ, मैं कहना जी नजारा आ गया बहुत बढ़िया। मैं कहना जी मैं पूछो ना एक बारी नजारा आ गया खा के। मैं तो हूं पांच खाई लवा, बहुत ही वादिया लो ही लो खाओ। ओहो क्या बात है, बहुत बढ़िया जी, बस एंड है जी एंड, क्या बात है। मजा आ गया। एक बारी जरूर इदा बना के देखो, जे चंगा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दियो, बहुत ही वधिया बहुत अच्छा। वेलकम टू इजी कुकिंग बाय परमजीत कौर। हाँ जी, आज की बनाने लगे जी, आज असी चिल्ली चिकन ग्रेवी वाला बनावांगे जी। लो जी लो, बहुत सोहनी रेसिपी आज बनाने वाले हैं जी, बहुत अच्छी रेसिपी है और बहुत इजी रेसिपी है, चिल्ली चिकन विद ग्रेवी। चलो जी हम बनाना शुरू कर दें जी। लो जी करो शुरू। ए असी 400 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है। आ देखो जी बोनलेस चिकन लिया जी असी, ते ए 400 ग्राम दा वेट है, ते छोटे छोटे दे असी पीस करा लेने। ते हुन सब तो पहले असी की करना जी, 2 चम्मच असी लसन अदरक दा पेस्ट पा लो जी। ए मैरिनेशन करनी है असी, ते ए जरा लसन अदरक दा पेस्ट ये तुसी कह सकते हो नॉर्मल जो 2 टेबल स्पून ने, तो ये असी ऐड कर देते हैं। 1 चम्मच छोटा असी काली मिर्च पावांगे। लो जी काली मिर्च का पाउडर 1 छोटा चम्मच, 1/4 हिस्सा चम्मच का नमक। लो जी नमक ऐड करता, नमक अपने टेस्ट के हिसाब ना पाना जी, जिन्ना पाना चाहते हो तुसी। 1 चाइनीज नमक, थोड़ा जहा एक चाइनीज साल्ट, आज नहीं मोटो है जी, ऐड करेंगे थोड़े। लो जी सिरका ऐड करेंगे जी, वाइट सिरका 1 चम्मच असी वाइट सिरका पाऊंगे। लो जी 1 असी एग ऐड करता जी, अंडा ऐड किया है। 2 चम्मच असी कॉर्नफ्लोर दे पाऊंगे। लो जी कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया जी, 2 टेबल स्पून असी ये पाते हैं। लो जी मैदे दे 2 चम्मच, एक चम्मच से ऑलिव ऑयल पाओ। लो जी 1 चम्मच ऑलिव ऑयल ऐड करता है। हुण असी इनू मिक्स करांगे सारे नू। लो जी अच्छी तरह इनू मिक्स कर देना ताकि हर पीस ते अच्छी कोटिंग हो जाए। बहुत अच्छा मैरिनेट हो गया, असी उन्होंने 1/2 घंटे वास्ते फ्रिज च रखा। लो जी बहुत अच्छी मिक्सिंग हो गई जी, एक एक पीस से अच्छी तरह कोट हो गया, तो इनू हम असी 1/2 घंटे वास्ते फ्रिज रख देना। चिल्ली चिकन बनाने वास्ते हो जड़ी चीज़ा जरूरत है वह तैयार कर दें। देखो जी सब तो पहले असी अदरक छोटा छोटा कटिया, लसन अच्छे लसन असी छोटे छोटे चॉप कर लिया, ते 2 असी हरी मिर्चा चॉप करांगे, 1 शिमला मिर्च चॉप करांगे, 1 वड्डा प्याज, ते 1 वड्डा प्याज चॉप करांगे। असी इस तरह की कटिंग कर लेनी ताकि ये स्लाइस च कटिया जाए, स्लाइस च कटिया जाए। हाँ देखो इस तरह कट ला लेंगे तो ये स्लाइस च कटिया जाएगा। देखो इनू कला कला असी स्लाइस कर लेना जी।
इसी तरह असी हरिया मिर्चा चॉप कर लेना जी। इस तरह असी शिमला मिर्च नूं चॉप कर लेना। ये जो सीड है बीज ने शिमला मिर्च के वह असी सारे कढ देने जी। अद्धा घंटा हो गया जी सानू रेस्ट रखा तो हूँ असी फ्राई करांगे। तेल असी गरम कर लिए रखा हुआ है। लो जी चिकन असी फ्रिज चो कढ लिया जी। अद्धा घंटा असी रखिया सी इनू मैरीनेशन करन तो बाद ते सरसों का तेल असी गैस ते रखिया हुआ जी। जिमें गर्म हों तो असी इन्हों पीसिस फ्राई करना शुरू कर दें जी। लो जी तेल साढ़ा गर्म हो गया जी तो चिकन के पीस असी पाने। तेल नू पूरा गर्म करने तो बाद असी फ्लेम यदा मीडियम करता सी तो असी मीडियम फ्लेम से इन्हों फ्राई करांगे। जे जरूरत पई तो थोड़ा जहा बढ़ा लवेंगे। लो जी फ्लेम असी बढ़ाया क्योंकि जो एकदम पीसिस पाने ना सरसों के तेल तो तेल थोड़ा जहा ठंडा होंगे तो इस करके हूँ असी थोड़ा जहा फ्लेम बढ़ा दिता। लो जी इन्हों उपर नीचे कर देना थोड़ी देर तो बाद। बहुत अच्छा फ्राई हो गया। लाइट गोल्डन ब्राउन तक असी इन्हू फ्राई करना जी। लाइट गोल्डन ब्राउन हो गए ने ये असी कढ़ लेने जी। हाँ इस तरह के असी करने ने फ्राई पीस। इसी तरह होर भी जेडे पीस चिकन के असी फ्राई कर लेने जी। सारे पीस फ्राई हो चुके ने जी। 85% गल चुके ने। लो जी चिकन के पीस बहुत सोहने फ्राई हुए जी। 85% ये गल चुके ने ते बाकी उस तो बाद जो नैक्सट प्रोसैस करांगे उहदे च गल जाने जी। लो जी हुण नैक्सट प्रोसैस स्टार्ट करदे आ जी। लो जी एक बाउल च असी पानी ऐड करांगे। लो जी सोया सॉस 2 चम्मच ऐड कर दें जी। चिल्ली सॉस 2 चम्मच ये भी ऐड कर दें जी। ये अपनी मर्जी मुताबिक तुसी पा सकते हो जिन्नी। ये मिर्चा वाली सॉस है जी तो ये अपने टेस्ट के मुताबिक तुसी पा सकते हो वध घट। अच्छी तरह मिक्स कर दियो इनू। लो जी 2 चम्मच असी टोमैटो सॉस से ऐड करांगे। असी पानी जड़ा है फ्रैश लिया है। नमक ऐड करांगे जी। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करना जी। हाफ चम्मच असी पहले भी पाया है क्योंकि पहले भी यूज किया हुआ है तो हूँ भी पा रहे हैं। ये अपने टेस्ट के मुताबिक पाना है। 1 चम्मच काली मिर्च। लो जी काली मिर्च का पाउडर 1 चम्मच। ये सारी चीज़ा बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेनी है जी इन्हों। लो जी सिरका वाइट सिरका 1 चम्मच। लो जी 1 चम्मच असी बैलेंस करने चीनी का ऐड करांगे। लो जी चीनी पान तो बाद इनू अच्छी तरह मिक्स कर देना जी। बस 1 छोटा चम्मच असी चीनी का पाया। छोटे 2 चम्मच कॉर्न फ्लोर। लो जी कॉर्न फ्लोर दे छोटे 2 चम्मच असी पाने। लो जी बहुत अच्छी तरह सब कुछ मिक्स हो गया जी। लो जी पैन असी हुण रखते हैं कि चिल्ली चिकन ग्रेवी वाला बनाना शुरू कर दें जी। लो जी 2 नॉर्मल जेडे टेबल स्पून होंगे ने 2 चम्मच असी ऐड कर देने जी।
तो जी ओलिव ऑयल असी ऐड किया, असी ओलिव ऑयल यूज किया, तुसी अपने टेस्ट के मुताबिक कोई भी ऑयल यूज कर सकते हो। इन हाई फ्लेम से अच्छी तरह गर्म करना जी, गर्म करना हाई फ्लेम से धुआं निकलन लग जाए। हाँ देखो जी बहुत गर्म हो गया, जो धुआं जहा निकलन लग जाए समझो काफ़ी गर्म हो गया जी। लो जी चॉप किया तो रद रख रखा से वह ऐड कर दें जी, लसन जोड़ा चॉप करके रखे से वह ऐड कर दें जी, थोड़ा जहा मिर्च। लो जी शिमला मिर्च चॉप करके रखी से वह ऐड की है जी, हाई फ्लेम से असं इन्हों फ्राई करा। लो जी प्याज जिमें स्लाइस करके रखे हुए हैं वह भी ऐड कर देने जी, इन्ना फ्राई करना कि इन्हों का कच्चा बन दूर हो जाए। लो जी जिहड़ा सब चीज़ों का मिक्सर है वह असी ऐड कर देना, नाल नाल परची मारी जानी, नाल नाल पाई जाना। लो जी एक उबाला जहा आ गया, उस तो बाद चिकन के पीस जोड़े असी फ्राई करके रखे हुए हैं वह ऐड कर देने जी, अच्छी तरह इन्हों मिक्स कर देना जी। लो जी इन्हों असी हाई फ्लेम से कुक करा, हम इस तरह असं ओपन ही इन कुक करा जी हाई फ्लेम से। लो जी फुल फ्लेम से मेरे ख्याल ने 3 मिनट होए ने, बस इन्ना कि असं इन कुक करना है, तो इन्नी साड़ी ग्रेवी रहनी भी चाहिए है, फिर थिक भी हो जाती है ठंडी होके ना, जो ठंडी होने तो बाद जिमें उतारा ये थोड़ी जी थिक भी हो जानी है। गैस बंद कर, लो जी गैस असं बंद कर देती है, तो चिली चिकन विद ग्रेवी साड़ा बन के तैयार है। साडा ग्रेवी वाला चिली चिकन बन के तैयार हो गया है, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुहानू पसंद आएगा। लो जी एक बार बना के देखो और कमेंट बॉक्स अपने कमेंट्स जरूर दियो कि तुहानू साड़ी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच। रोटी नहीं पक रही मेरे को, मैं बना देनी है फुलके ਦਾ ਡਲੀ। ਸਵੀਗੀ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬਣਾ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੇਸਟ ਕਰਾਣੇ ਆ ਜੀ। ਤੂੰ ਖਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁੱਕੇ ਤੂੰ ਖਾਏਗੇ। ਲਓ ਜੀ ਲਓ। ਤੂੰ ਦੋ ਨਾਨ ਮੰਗਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾ ਲਵੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਮੰਗਾ ਲੈਣੇ ਨਾਨ ਵੀ। ਨਾਨ ਤੋਂ ਮਾਣਾ ਮੈਂ ਫੁਲਕੇ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਫੁਲਕੇ ਆਟਾ ਗੁੰਨਾ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਫੁਲਕਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗੈਸਟਾਂ ਕੋਲ ਰੋਟੀਆਂ ਸਰੋਂ ਬਣਵਾਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਿਕਨ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਗੈਸ। ਦੇਖੇ ਦੇਖ ਹਾਂਜੀ ਖਾਓ ਜੀ ਖਾਓ ਗੈਸ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਟੇਸਟ ਕਰੋ ਜੀ ਟੇਸਟ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਟੇਸਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕੈਸਾ ਬਣਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਗਰਮੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਸੀਨੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੈਸਾ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ। ਲਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਲਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਹੁਣ, ਅਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਲਓ ਜੀ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਏ ਨੇ ਖਾਣ। ਚਿਕਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਲੀਸ਼ੀਅਸ ਹੈ, ਸੌਫਟੀ ਜੂਸੀ ਔਰ ਕਰੰਚੀ।